दाल चांप चलेगी आज खाने में, ये मसाला तैयार हो गया, रोटियां लगी हैं। दाल जहाँ मिक्स हो गई अब हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। रात को हुई थी बारिश, गाँव में भी हुई थी और सियालकोट में भी हुई है। तो सियालकोट में जब मैं शोरूम पे आया तो पता चला कि छत ऊपर से जनाब देखें पहले भी आपको दिखा था, सर्दियों में बारिश हुई थी तो ऊपर से छत जो है ना पानी नीचे आ रहा था और ये इसके अंदर सारा पानी आ गया था। ये सुबह से लेके अब तक इसे खुला रखा हुआ था कि जितना पानी होगा बाहर निकल जाएगा, ये सारा इसके ऊपर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जनाब इधर से कुछ स्टिकर लगा हुआ था वो उतार दिया था जुवेद ने। मालक है उससे कॉल की थी कि भाई इसका कोई हल निकालो क्योंकि आगे बारिश वाले दिन है, तो बाद में वही ना हो कि कोई मसला ज़्यादा हो जाए। तो कहता भाई मैं आऊँगा तो आगे फिर मैं इसका हल लाजमी करूँगा। इस कूलर के अंदर भी पानी पड़ गया था लेकिन इसे सुबह का धूप में रखा हुआ ताकि कोई भी सीन हो इसके अंदर कोई ख़राबी ना पड़ जाए, तो ये इसलिए जम्बो साइज़ कूलर है। ठीक है, देखो आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है और किस किस प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है, एसी हमारे पास पड़े हुए हैं, कूलर पड़े हुए हैं, कुछ फ्रिज पड़ी हुई हैं, ओवन पड़े हुए हैं, सारा कुछ आपको दिखाते हैं, उनकी प्राइस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो के साथ रहना। सबसे पहले तो ये बाइक आपको पता है बाइक रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका 1,03,000 रुपया रेट हो चुका है बाइक का, CD70 का। और ये एसी है, ये 80,000 समथिंग का मिलेगा आपको टन का। उसके बाद ये कूलर नया है, ये आपको दिखाते हैं, GFC कंपनी है। ठीक है, बड़ी अच्छी कंपनी है। ये कूलर 25,000 रुपये का, ठीक है, 25,000 कैश प्राइस, इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर लें तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा इसका। ये देखिए ऊपर कुछ ये बॉटल पड़ी हुई हैं, इनको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखने के बाद ठंडी हो जाएंगी तो बाहर निकाल के इसके ऊपर रख देना ताकि ठंडी हवा आए। आज दफ़ा ये होता है कहीं से लेने जाएं तो दो लिक्विड आपको दे देते हैं कि भाई यही ले जाएं, यही आते हैं इनके साथ, लेकिन दो नहीं आते गलबन 6 आते हैं। ठीक है, तो वो 4 अपने पास रख लेते हैं तो उनको सेल करके फिर पैसा कमाते हैं, गलत करते हैं साथ लोगों से। उसके बाद ये दूसरा है, ये भी उसी कंपनी का, GFC का, ये छोटा है उससे। ठीक है ना, ये गलबन 17,000 रुपये का कैश है इसके अंदर भी है। ये देखना इसके अंदर 3 है, ये देखें। तो आपको लिक्विड पूरा कोई भी नहीं देगा अगर जब तक आप पूछेंगे नहीं कि भाई कितने होते हैं। ये 3 है और इसके अंदर ये देखें 2, 2, 4 और 2, 6, इसके अंदर 6 थे। दूसरा ये कूलर लेके गए थे लेकिन ये थोड़ा ख़राब होता है, इसमें कोई इशू आया था, मसला था, इसके ऊपर भी डलती हैं ये देखें। लेकिन ये कोई बर्फ़ वगैरह का सीन ऊपर रख के आप ठंडा ठंडा पानी और इसकी हवा ले सकते हैं। तो ये वापस आ गया था, उसको हमने दूसरा दे दिया था, अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या मसला बना था इसका, इसकी सब मोटर का कोई इशू था। सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वाशिंग मशीन हमारे पास ऊपर एशिया की, वो बहुत ज़्यादा सेल हुई है, लोगों ने अपने मतलब अपनी बच्चियों को भी दी है कि हमने सामान देना है तो हमें ये वाशिंग मशीनें चाहिए। उन्होंने उनको बोला कि आपको मिल जाएंगी, बेफिक्र होकर आप आएँ, तो काफ़ी लोग लेके गए हैं। ये रह गई हैं दो हमारे पास, ठीक है, ये वाशिंग मशीन है, आपको पहले भी मैंने दिखाया था, ये 17,500 की कैश है और ये ड्रायर 7, ठीक है। और ये दोनों मतलब 17,500, एक 17,500 की और दो 17,500 की कैश प्राइस इसकी है। उसके बाद कुछ ये लगी हुई हैं, ये भी सुपर एशिया की हैं, ये स्पिनर है बहुत बड़ा, ये भी अंदर से देखें आप, ठीक है। और ये डॉलर्स की है, एक 800 फ्रिज डॉलर्स, और ये छोटी सबसे, ये देखें ओवन पड़े हुए हैं, ठीक है, ये गालबन 12,000 से शुरू होते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं जब कोई चीज़ गर्म करनी हो तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, 12,000। और ये 15, ये भी सेम इसकी प्राइस है, तो ये ज़्यादा है। ये वाशिंग मशीन आपको दिखाई, आपको पता कि गर्मियों में ज़्यादा स्टॉक फ्रिज सेल होती है, कूलर सेल होता है, एसी वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग लेके जाते हैं और लोगों की डिमांड पे हमने बहुत ज़्यादा एसी भी मंगवाए हैं, 3 किस्म के, एक हायर का और डॉलेंस का, उसके बाद ग्री का, काफ़ी ज़्यादा मॉडल हैं लेकिन जो हमसे डिमांड करें हम वो चीज़ मंगवा के देते हैं उसे। ये डॉलेंस की फ्रिज थी, ठीक है,
ये देखें इसका ये फ़ायदा ना ये प्लास्टिक का कि इसके अंदर बर्फ़ जो है ना वो नहीं जमती, स्टील में जम जाती है। ये इसका सारा गारंटी कार्ड सारा कुछ नीचे पड़ा हुआ है, और ये इनकी ब्राइक्रम ये देख लें पढ़ लें भाई जो भी लिखा हुआ है। ये छोटी फ्रिज है, ठीक है, ये दोनों साइज सेम है, ठीक है, इनकी सेम प्राइस है 52,000, और ये बड़ा साइज है, ठीक है, ये लगाए हुए थे आपको बताया दिखाया था 67,000 की कैश है, और ये भी सेम है। ये देखें इसके अंदर आप छोटी छोटी पानी रख के आप बर्फ़ जमा कर सकते हैं जी, और ये इसका वारंटी कार्ड वगैरह हर चीज़ ये सामने आपके। ये देखें नीचे बहुत बड़ी फ्रिज है, ये साइज सबसे जम्बो साइज है, ये देखें कितनी खूबसूरत फ्रिज भी है, और लंबाई में भी चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है। गालबन ये 90,000 की या 92 की कैश देख सकते हैं जी, बहुत बड़ी फ्रिज माशाल्लाह। ये देखें इसके अंदर ये शीशा लगा हुआ है, ये प्लास्टिक इसके अंदर ये इसके इधर से होता है, लो और हाई आप कर सकते हैं इसकी स्पीड, ठीक है, ये सारे शीशे अगर आप ये उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भारी चीज़ रखना चाहें तो फिर आपको उतारनी पड़ेगी। ये इसका चलो दो डब्बे इसके लिए, बहुत बड़ी फ्रिज, ये हमारे शोरूम पे स्टॉक है और हमारा शोरूम देख सकते हैं, ठीक है, और इधर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म प्रोसेस किए हैं मैंने, ये देखते हैं कुछ ये फॉर्म पड़े हुए हैं भी, कुछ मैंने इसके अंदर भी रखे हैं, कुछ ये पड़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गालबन मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब मैंने शुरू किया था तो 2 से 3 हफ्ते में गया, उसके बाद मेरा दिल ना किया, फिर मेरा दोस्त था उसने बोला कि भाई आपने छोड़ना नहीं, आप लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी वो फिलहाल उसकी अपनी दुकान है तो मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, उसने छोड़ दिया हुआ है। शोरूम भी आज कोई भी नहीं है, जवेद विजिट गया हुआ है, वसीम साहब और हमजा, उन दोनों की तबीयत ख़राब, उनको बुखार हो गया हुआ है, बिलाल साहब आए थे वो भी चले गए हैं, तो मैंने कॉल की थी वसीम साहब, कह रहे हैं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार है, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप फिलहाल रेस्ट करें और मेडिसिन लें। आपको पता है कि ये एंड वाले दिन होते हैं, इंस्टॉलमेंट के काम ज़्यादा होता है, लोग पैसे नहीं देते, तो फिर बड़ी एफर्ट करने के बाद हमने क्लोजिंग करनी होती है, बड़ी मुश्किल से लोग पैसे देते हैं। ये देखें गाइस वकास आया जुवेद का दोस्त, वकास साहब एक सवाल का जवाब दो, जुवेद का ब्याह अगले साल मुमकिन हो सकता है या नहीं? मेरी मम्मी के तो बिल्कुल नहीं होना है। ओ की वजह की है? अजी वजह आया है कि कुड़ी की शक्ल में एक ही जड़ा ना हां रुपई गई। अच्छा ओ क्या क्या लो जी उन्हें काम ही मुकाता, उन्हें आख्या शादी तो नहीं होनी, कुड़ी की शक्ल वेख नई कही जी है तो नहीं नहीं जी शादी करनी है और लाजमी करनी है। बिल्कुल नहीं होनी, 10 साल 10 से 12 साल साढ़े को भावे पे कापी का हाल हो भावे दहा के अपनी कन्नी ना बना लो। नहीं यार मेरी शादी 10 से 12 साल में करते हैं क्लोजिंग, तब तक मैं वीडियो एडिट कर लूँ, एडिट करने के बाद अपलोड करते हैं, क्योंकि घर जाएंगे तो लाइट नहीं होगी तो इसीलिए इधर ही एडिट करके अपलोड कर लेते हैं, और घर में जाके जब 8, 8:30 होंगे तो फिर हम पब्लिक कर देंगे, क्या ख्याल है? यही चीज़ें थे हमारे शोरूम पे जो मैंने आपको आज उसका विजिट करवाया, कि इतनी पेमेंट पे इतनी चीज़ें मिलेंगी, और कोई भी आईफोन हो, एक दो लड़का था जिसने 13 Pro Max मांगा था कि भाई हमें दे दें, लेकिन उसकी गालबन 35,000 समथिंग उसकी इंस्टॉलमेंट बन दी थी, तो कहता भाई मैंने नहीं लेना, मैंने कहा चलें आपकी मर्जी। तो बिलाल साहब का वेट कर रहे हैं, अगर वो आते हैं ठीक है, फिर कुछ नहीं करते हैं, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे कि नए ब्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त तब तक के लिए, फलाने के बाद।